धृतराष्ट्र कौन है? अज्ञान, इग्नोरेंस, दुर्योधन, ये है मोह। मोह और प्रेम में अंतर है। स्त्री मिल गई, भागे जा रहा है 400-500 किलोमीटर, उसके पीछे चले गए, पर भागे जा रहा है। सुसाइड करने का मन कर रहा है, कोई कह रहा मैं पागल हो जाऊंगा, कोई कुछ। जितनी चीजें आपके धैर्य को खत्म कर रही हैं, वो आपके दुश्मन है। अर्जुन ये शरीर ही क्षेत्र है, और जो इसको जानता है इसको पार पा लेता है। ऐसा लगा जैसे किताब मेरा वेट कर रही थी कि अवध ओझा तू मुझे पढ़, कनेक्ट करो, सोचो, गिल्ट की कोई जरूरत ही नहीं। मैं अवध ओझा 50 लाख करोड़ का मालिक, पूरी दुनिया मेरी गुलाम। आज देश जिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, उस परिस्थिति में भारत को अपने अतीत को देखने की बड़ी जरूरत है। अतीत को देखने की क्यों जरूरत है? महिमा मंडन करने के लिए नहीं, सीखने के लिए। अतीत की जो महिमा मंडन करते हैं, इसका मतलब उनका प्रेजेंट कमजोर है। मेरे बाबा गवर्नर थे, तुम, हम तो भैया रिक्शा चलाते हैं। अतीत का महिमा मंडन नहीं, अतीत से सीखना, यही इतिहास का महत्व भी है। आज तो बहुत हालत खराब है। कोई मुझे मैसेज कर रहा है, साहब सुसाइड करने का मन कर रहा है, कोई कह रहा मैं पागल हो जाऊंगा, कोई कुछ, कोई धर्म का मजाक उड़ा रहा है, कोई धर्म को गाली दे रहा है। तो मैं जब जीवन में फंसा, तो बड़ी सारी चीजों ने उस मेरे जीवन में बड़ा अहम रोल प्ले किया। जैसे कई सारी चीज है, ये सबका तो वर्णन मैं नहीं कर सकता, लेकिन दो चीजों का आज मैं वर्णन करूंगा। एक, मैंने पढ़ा कि स्वामी विवेकानंद जी यूरोप जा रहे थे, तो जहाज, पानी के जहाज से जा रहे थे, तो पानी के जहाज का जो कप्तान था उसके पास न्यूज़पेपर था, तो उन्होंने कहा भैया न्यूज़पेपर पढ़ लूं? हाँ, बोले पढ़ लो। पढ़ा उन्होंने, और पढ़ने के बाद डॉक पे रख दिया। डॉक पे रखा तो हवा चली, तो न्यूज़पेपर उड़ के समंदर में चला गया। कप्तान तो बहुत गुस्सा हुआ कि यार तुमको न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए दिए थे और उड़ा दिए तुम। तो स्वामी जी ने कहा कि महाराज गलत गुस्सा काहे हो रहे हैं, एक पेन और पेपर दे दीजिए, मैं पूरा न्यूज़पेपर हूबहू उतार दूंगा। बड़ा इंपैक्ट पड़ा इस कहानी का मेरे ऊपर, ऐसा होता है। और कुछ व्यक्तित्व है जिनको देखकर आपको लगता है कि ना ये गलत नहीं हो सकते। ऐसी बड़ी सारी घटनाएं हैं, मैंने कहा मैं सब की चर्चा तो नहीं कर सकता। उसके बाद एक घटना है जिसने मेरे जीवन को एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ दिया। मैं मुंबई गया, मेरे एक रिलेटिव है मुंबई में, उनके यहां गया कल्याण में, तो वो स्वामी अड़गणानंद जी के शिष्य थे, हैं भी। तो मैं जब वहां से उनके यहां से चलने लगा, तो उन्होंने मुझे ये किताब दी, कहा भैया ये ले जाइए और इसको पढ़िए, और अद्भुत किताब। तो ले आया, 2008-09 के आसपास की बात है, मैं ले आया, रखी रही। फिर एक दिन ऐसा ही मैं कुछ ढूंढ रहा था, ये किताब मेरे हाथ लगी, और जब ये किताब मेरे हाथ लगी और मैंने इसको पढ़ना शुरू किया, तो बड़े सारे डाउट, बड़ी सारी शंकाएं, मतलब ऐसा लगा जैसे किताब मेरा वेट कर रही थी कि अवध ओझा तू मुझे पढ़ और मैं तेरे शंकाओं का समाधान करूंगी। पहला श्लोक, यहीं से मैं शुरुआत करता हूं, यहीं से गुरु महाराज के चरणों में वंदन करता हूं, उनसे आशीर्वाद लेता हूं कि गुरु महाराज मुझे आशीर्वाद दें कि मैं इनके चित्र बना सकूं। मैं एक बार फिर से कह रहा हूं, मैं इस पर प्रवचन नहीं कर सकता, इतना अधिकार मेरे पास नहीं है और ना इतनी क्षमता अभी मेरे पास है। सिर्फ डायग्राम बनाना, रेखा चित्र बनाना, हर श्लोक कि आप उस डायग्राम को देखो और कनेक्ट करो और मनन करो, और जहां डाउट हो, जहां संदेह हो, वहां गुरु महाराज या गुरु महाराज के अलावा जो हमारे और संत हैं वहां पे, उनसे आप संपर्क करके फिर उनसे पूछिए कि इसका मतलब क्या है। ऐसा होने से शायद ये जो आज समस्या, संकट, चुनौती, डिप्रेशन,
उसको कुछ हद तक संभाला जा सकता है। धर्म रहस्य है। बहुत सारे विद्वान कहते भाई मैं एग्नोस्टिक हूं। धर्म रहस्य है। क्यों रहस्य? इसको कहा नहीं जा सकता। गुरु नानक देव जी ने कहा है, मनने की गति कही न जाए और कहे जो पाछे पछताए। ये गुरु नानक देव जी के स्टेटमेंट है कि आत्म अनुभूत की गति कही नहीं जा सकती और जो कहता है वो पछताता है। धर्म रहस्य है। रहस्य, इस रहस्य को कोई गुरु ही खोल सकता है। इसीलिए हिंदुस्तान ने गुरु की परंपरा पर बहुत जोर दिया। आज लोग कह रहे हैं रामचरितमानस में ये लिखा है, रामायण में ये लिखा है, 10 हाथ नहीं होने चाहिए, 10 सर नहीं होने चाहिए। मुझे पता है, एहसास है मुझे कि आप किस संदर्भ में इन बातों को कह रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, उस पर मुझे जाना ही नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूं कि इस यथार्थ गीता को लोग पढ़ना शुरू करें तो जैसे मुझे रास्ता मिला, मुझे जीवन मिला, मुझे उन्नति मिली, मुझे शांति मिली, वो शायद गुरु महाराज की कृपा से आपको भी मिले। तो पहला श्लोक, धृतराष्ट्र उवाच। मेरी संस्कृत बहुत अच्छी नहीं है, फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कहीं भाषात्मक त्रुटि ना होने पाए। अगर होती है तो मुझे क्षमा करिएगा। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेवता युयुत्सव मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। बड़ा प्यारा सा धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। अब युद्ध की बात गीता कहती है और युद्ध की बात गीता कहती है, युद्ध की बात कुरान भी कहता है, युद्ध की बात बाइबल भी कहती है। ये कहते हैं धर्म युद्ध, ये कहते हैं जिहाद, ये कहते हैं होली वॉर। कौन सा युद्ध? पुरातत्ववादियों ने, आर्कियोलॉजिस्टों ने पुराने कुरुक्षेत्र की खोज कर रहे हैं, लेकिन गुरु महाराज ने इसमें लिखा है कि पुराने कुरुक्षेत्र को खोजने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि भगवान कृष्ण गीता में स्वयं कहते हैं। स्वयं प्रश्न नंबर 2 डार्क ब्लैक में लिखा है, इदम शरीरम कौनते क्षेत्र मित्यभि धीयते। अर्जुन, यह शरीर ही क्षेत्र है। क्षेत्र क्या है? शरीर। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि यह शरीर, श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यह शरीर ही क्षेत्र है। अर्जुन, यह शरीर ही क्षेत्र है और जो इसको जानता है इसको पार पा लेता है, वो क्षेत्रज्ञ है। जो जान जाए इसे वो क्षेत्रज्ञ। कहीं बाहर लड़ाई नहीं हो रही है, कहीं बाहर लड़ाई नहीं हो रही है, यह शरीर ही क्षेत्र है। और इसमें धृतराष्ट्र कौन है? अज्ञान, इग्नोरेंस। कहां रहता है? मन के अंतरतम तल में रहता है। मन के पर्दा है ये। कहते हैं ना कि भैया इनके आंखें पर्दा परा है। धृतराष्ट्र अज्ञान, यह मन के अंतरतम तल में रहता है। इस अज्ञान का बेटा है धृतराष्ट्र का दुर्योधन। यह है मोह।
जो मैं को मजबूत करता है। मैं अवध ओझा सांसद, मैं अवध ओझा 50 लाख करोड़ का मालिक, मैं मोगैम्बो, तुम कुछ नहीं हो। मोह और प्रेम में अंतर है। आपके साथ एक कुत्ता रह गया 2 महीना, एक दिन गायब हो गया, आपको चिंता सताएगी। संबंध कोई नहीं है, बस 2 महीना साथ रह गया। मोह, इसी को सारे विद्वानों ने बंधन कहा, प्रेम को किसी ने बंधन नहीं कहा। कबीर ने कहा, प्रेम गली अति साकरी जामे दो न समाए। प्रेम में तो दूसरा हो ही नहीं सकता, मोह में दूसरा होगा। मेरा घर, मेरी पत्नी, मेरी संपत्ति, मेरा बवाल, मैं, ये मोह से, मोह जो है मैं को मजबूत करता है दुर्योधन। और ये बेटा किसका है? अज्ञानता का। तो जब बुद्ध को ज्ञान मिला तो अज्ञानता ही तो खत्म हुई। दुर्योधन, संजय बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, धैर्य आज किसी के पास है ही नहीं। इस्लाम, बाइबल, कुरान आदि ग्रंथ सब धैर्य बड़ी महत्व तो देते हैं। धैर्य, पेशेंस। मैं लोगों से कहता हूं कि 40 घंटा बैठ के मूवी देखी जा सकती है, 40 घंटा बैठ के नाच देखा जा सकता है, 40 घंटा बैठ के परपंच किया जा सकता है, 40 घंटा बैठ के ताश खेला जा सकता है, और न जाने क्या क्या, लेकिन आधा घंटा आंख बंद करके ध्यान करना बहुत बड़ी चुनौती है। और आपका मन पावर सेंटर, सारा काम उसी से होता है। आज मैं युवाओं को देखता हूं, इतने इंपेशेंट है। सर मुझे आईएएस बनना है एक ही अटेम्प्ट में। तू आधे अटेम्प्ट में बन जा। अरे भैया, हर चीज का समय है, टाइम एंड डिस्टेंस। फर्स्ट अटेम्प्ट में तो बना जा सकता है, एक साल में भी बना जा सकता है, अगर आपका बेस बहुत अच्छा है तो। संयम, तो मन जो है उसकी आंखें क्या है? धैर्य। क्या बात गुरु महाराज ने लिखी है, ये मन की आंखें हैं, धैर्य। मन जब भी देखेगा धैर्य से देखेगा, धैर्य उसकी आंखें हैं। क्या बात है। मैंने कहा ना कि ये किताब, अगर पढ़ो आप इस किताब को, तोड़ो इसको, कनेक्ट करो, सोचो, मन जब भी देखेगा। जब कोई बहुत इंपेशेंट हो जाता, पैनिक हो जाता, एंग्जाइटी अटैक आजकल के लोगों पे आ रहा है, अरे भैया कामी, क्रोधी, लालची, इनसे भक्ति ना हो। क्यों? अधैर्य। ये सारी चीजें अधैर्यता पैदा करती है। काम में अधैर्य, स्त्री मिल गई, भागे जा रहा है, 400-500 किलोमीटर उसके पीछे चले गए, पर भागे जा रहा है। कामी, क्रोधी, लालची, ये तीनों चीजें अधैर्यता पैदा करती है, और तीनों में आदमी और अंधा हो जाता है। तभी तो कहा, कामी, क्रोधी, लालची, इनसे भक्ति ना होए, क्योंकि ये तीनों चीजें किसको खत्म करती हैं? धैर्य को खत्म कर देती हैं। जितनी चीजें आपके धैर्य को खत्म कर रही हैं, वो आपके दुश्मन है। फिर कौरव, ये कौन है? ये विकार को कहा गया है। विकार,
कौरव यानी विकार। पंद्रह घंटा सो रहे हैं। कौरव कुरु शक्ति आपके ऊपर हावी है। तीन बोतल शराब पी गए। विकार। अज्ञान जो मन के अंतरतल में रहता है, मोह जो मैं को मजबूत करता है, धैर्य मन की आंखें हैं, इसलिए तो बैठना जरूरी है। इसी दोहे के अंत में गुरु महाराज ने लिखा है कि दृष्टि विकसित होती जाएगी जब धैर्य बढ़ता जाएगा। देखिए, मैं नहीं बोल रहा हूं, गुरु महाराज बोल रहे हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, यही पर गुरु महाराज ने इसी में लिखा है कि जैसे जैसे धैर्य बढ़ता जाएगा। ये देखिए, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये देखिए। इस प्रकार अज्ञान से आच्छादित प्रत्येक मन संयम के द्वारा जानता है कि क्षेत्र क्षेत्रक युद्ध के युद्ध में क्या हुआ। संयम के द्वारा, धैर्य के द्वारा। अब जैसा जिसके संयम का उत्थान है, वैसे वैसे उसकी दृष्टि आती जाएगी। पेज नंबर 2 लास्ट लाइन है। जैसे जैसे धैर्य बढ़ेगा, जैसे जैसे धैर्य बढ़ेगा, क्योंकि धैर्य क्या है, आंखें किसका, मन का, वैसे वैसे गुरु महाराज कहते हैं कि दृष्टि भी बढ़ेगी। तो ध्यान क्या है, धैर्य को बढ़ाने का साधन है। बहुत लड़के मुझसे पूछे, सर ध्यान क्या है? सर धैर्य, बस बैठे रहो, कुछ तुम्हारे हाथ में है थोड़ी। और जब आंख बंद करके बैठते हैं पहली बार, और ये बाप बवंडर, मन की स्पीड तो लाइट से भी तेज है ना। आंख बंद किए मंगल ग्रह पहुंच गए। यहां से सूरज, सूरज से धरती पर लाइट कितने समय में आती? 8 मिनट में आती, 8 मिनट लाइट की स्पीड। और हम 1 सेकंड में पहुंच गए, सेकंड भी नहीं लगा, और बंद किए सूरज पे, रिएक्शन देख रहे सूरज के उस पर बैठ के कि कैसे रिएक्शन हो रहा है, हीलियम कैसे कन्वर्ट हो रहा है, और कैसे रोशनी निकल रही है, ऊर्जा पैदा हो रही है। एक विद इन सेकेंड का पता नहीं कौन सा हिस्सा, इतनी स्पीड। तो जैसे आंख बंद करोगे, अब मन की गति है, इसीलिए मन की तुलना घोड़ों से भी की गई है। और घोड़ा अगर बेलगाम हो जाए तब ले जाएगा। ले जाएगा और मार डालेगा। तो गुरु महाराज कहते हैं कि धैर्य को बढ़ाने का, ध्यान क्या है, धैर्य को बढ़ाने का माध्यम। और जैसे जैसे धैर्य बढ़ेगा, वैसे वैसे दृष्टि बढ़ेगी। तो क्षेत्र में यह युद्ध कहां होता है? अब यह वॉर होता कहां है? हृदय देश में होता है, हृदय क्षेत्र में होता है। यहां दो शक्तियां रहती हैं, हृदय क्षेत्र। दैवीय संपत्ति, जिसकी आगे गुरु महाराज ने चर्चा की है, और आसुरी संपत्ति। दैवीय संपत्ति धर्म क्षेत्र, और आसुरी संपत्ति कुरुक्षेत्र। तो दैवीय संपत्ति किसमें हावी है? श्री कृष्ण में। और आसुरी संपत्ति किसमें हावी है? दुर्योधन में। अब श्री दुर्योधन नहीं लिख सकते, और ना आप बुरा मानेंगे। आप में से कोई मुझसे नहीं कहेगा ट्रोल करके कि श्री दुर्योधन नहीं किया, हिंदुओं की भावना को तेज पहुंचा दी,
सिर्फ दुर्योधन लिखना चाहिए, ह्यूमनिज्म का समय चल रहा है, मानवतावाद का समय चल रहा है, बुरा है तो क्या हुआ, मानव तो है भैया, ये सब प्रतीक है बाबूजी। ये धर्म ग्रंथों को आप खुद उठा के पढ़िए। श्री कृष्ण यहां अगर श्री नहीं लगाया तो चेतना का अपमान हो जाएगा भगवान का। इनके पास अपमान छोड़ के है ही क्या। फिर आगे गुरु महाराज कहते हैं कि कुरु जो शब्द है, कुरु ये आदेशात्मक है, मतलब करो। कहते हैं आदेशात्मक शब्द है, और हर व्यक्ति प्रकृति और उसके गुणों के अधीन है। कौन से गुण? सत्व, रज और तम। कोई करता थोड़ी है कुछ, ये न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन यही सब काम कराते हैं। और गुरु महाराज कहते हैं कि जब तक ये तीनों शक्तियां व्यक्ति में सक्रिय हैं, कर्म होता रहेगा। या तो वो सत्व के प्रभाव में कर्म करेगा, या रज के प्रभाव में कर्म करेगा, या तम के प्रभाव में कर्म करेगा। तो तीन ये, और फिर मन, बुद्धि, अहंकार। मन, बुद्धि, अहंकार, मन सबके पास है, बुद्धि भी सबके पास है, पर बुद्धि कुबुद्धि अपनी ही भाभी की साड़ी उतरवा रहा है दुर्योधन भरी सभा में। अरे तेरी दुश्मनी दुर्योधन भीम से है, लड़ जा गदा युद्ध वहीं पे, मल्ल युद्ध कर ले, पटक भीम को, स्त्री को नग्न करोगे किसी की भी हो। और अहंकार मैं की प्रबलता कि मैं अवध ओझा मुगैम्बो, पूरी दुनिया मेरी गुलाम। और फिर पांच दरवाजे, क्षेत्र विस्तार, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श। क्षेत्र विस्तार, शरीर ही क्षेत्र है और ये सब उसका विस्तार है, क्षेत्र विस्तार। क्षेत्र विस्तार, पांडव कौन है? पांडव है दैवीय संपदा। एक एक करके गुरु महाराज ने इनके बारे में चर्चा किया है कि भाव मतलब भीम, पांडव है दैवीय सब, दैवी संपदा, ये सजातीय हैं। और कौरव है असुर संपदा। ये विजातीय हैं। ये क्षेत्र का विस्तार है, शरीर का विस्तार है, प्रकृति के अधीन है व्यक्ति, सत्व, रज, तम।
ये तीनों काम करा कर्म कराते हैं, फिर मन बुद्धि अहंकार ये कर्म को डिवाइड करते हैं, और फिर रूप रस गंध शब्द स्पर्श ये सब उसको और एक्टिवेट करते हैं। किसी को भी दूध जिसने पिया पहली बार उसको उल्टी नहीं आई क्योंकि सजातीय है, जूस जिसने पिया उसको उल्टी नहीं आई क्योंकि सजातीय है, फल जिसने खाया उसको उल्टी नहीं आई सजातीय है, लेकिन जिसने शराब पहली बार लगाया सबको उल्टी आई। तुमको जागना है, वैसे बेहोश हो, पैदा हुए ही बेहोश, उसी में बाहर से बेहोशी की दवा ले रहे हो। जिसने भी पहली बार तंबाकू खाया, मैं तो अपने अनुभव पे बोल रहा हूं ना, मुझे तो किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं है, जिसने पहली बार सिगरेट पी और दो मिनट खांसा, फिर किसी ने कहा होगा यूपी का आदमी बाहुबली वो कैसे खांस सकता है, पूरी खींच लेगा, खाई नहीं खाए तो किसी ने कहा भैया ये बुद्धिवर्धक चूर्ण है, बाद में पता चला कि रिक्शा वाला तो डेली खा रहा, उसका कहीं नहीं बुद्धि बढ़ रहा है। जितने विजातीय गुण हैं वो आपको परेशान करेंगे, पहले स्टेप शरीर मना करती है। तो संजय जो है धृतराष्ट्र, मन किससे कह रहा है, संयम से कह रहा है, धैर्य से कह रहा है, क्या कह रहा है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समावेता युत्सव माम का पांडवश्चव किम कुर्वत संजय। तो मन संयम से कह रहा है, क्या कह रहा है, मन किससे कह रहा है, संयम से। दोबारा आप जब पढ़िए तो उसको ऐसे पढ़िए, धृतराष्ट्र और संजय को पीछे करिए, मन मन संजय से कह रहा है, क्या कह रहा है, अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र और संयम रूपी संजय। तो मन यानी धृतराष्ट्र संजय से संयम से क्या कह रहा है कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में एकत्र युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, मेरे अज्ञान के पुत्र कौरव है विकार, ये जो आप करते हो ना, शराब पी लेते हो, वैश्यावृत्ति कर लेते हो, फिर गिल्ट महसूस करते हो, ये आपने अज्ञानता में किया है, बेहोशी में, अंधकार में, आपको बड़ा अंदर कष्ट होता होगा कि अरे हम तो नीच अधर्मी पापी अज्ञानी, गिल्ट की कोई जरूरत ही नहीं है, अपराध बोध की कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं कोई। हो सकता है आपको बहुत सारे संत महात्मा उनका पूर्व जीवन जब देखा जाता है, आप जब अच्छे रास्ते पर चलेंगे तो लोग आपके पूर्व जीवन को आपके सामने लाके खड़ा करेंगे कि अरे तुम तो गांजा पीते थे, हाँ तो तब गुरु के शरण में नहीं थे ना, तमाखे बंद थी, अंधे थे, अब जब गुरु का शरण मिल गया और ये ज्ञान मिल गया गुरु का संबंध प्रकाश से माना जाता है, क्योंकि अज्ञानता क्या पैदा करेगा, अंधेरा, उस अंधेरे को कौन दूर करेगा, गुरु भगवान। और यहीं पर पहला श्लोक खत्म होता है, आशा करता हूं ये रेखा चित्र आपको बहुत आसानी देंगे चीजों को समझने में, अगर मुझसे कोई त्रुटि हुई हो या गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करें।